पाकिस्तान रेलवेज ने सर सैयद एक्सप्रेस को निजी शोबे के हवाले कर दिया। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर सर सैयद एक्सप्रेस ट्रेन को निजी शोबे के सुपुर्द करने की तकरीब 9 जुलाई बरोज जुमातुल मुबारक को मुनाकिद हुई। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर बराए रेलवे आजम खान सवाती थे। वफाकी वजीर ने फीता काटने से कबल दुआ भी करवाई। आजम खान सवाती ने रॉस लॉजिस्टिक की इंतजामिया के हमरा ट्रेन की मुख्तलिफ बोगियों का दौरा किया और आला इंतजाम को सराहते हुए निजी कंपनी की तारीफ की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर रेलवे ने बताया कि पाकिस्तान रेलवेज के पास इतनी इस्तादाद और वसाइल नहीं कि वो निजी कंपनी जैसे इंतजाम कर सके। जो सहूलियात मैंने आपके सामने देखी है और आपने भी अपने कैमरे की आंख से उसको महफूज किया है, ये कतन भी पाकिस्तान रेलवे के अफसरान या पाकिस्तान रेलवे की लोगों की इस्तेदाद ही नहीं है इतनी बेहतर तौर पे जो है लोगों को सर्विस दे सके। इसलिए इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ हम जहां नई कोचेस लेके आ रहे हैं 230 के करीब, इसी तरीके से हम अपने ट्रैक को ML1 के जरिए दुनिया का बेहतरीन ट्रैक बनाएंगे। उनका कहना था कि वो तमाम मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों की एक एक बोगी को प्राइवेट करने जा रहे हैं, क्योंकि इसी से रेलवे को मुनाफा हासिल होगा और मुसाफरों को बेहतर सहूलियात मुहैया की जा सकेंगी। एक ट्रेन में पाकिस्तान रेलवे के अफसरान को नहीं दूंगा कि उसको चलाएं, एक ट्रेन सारी आउटसोर्स करूंगा, एक फ्रेट की वेगन में नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि हम डबल से ट्रिपल मुनाफा खुदा के बदले से कमाएंगे। जो आपका कस्टमर है, जो आपका मुसाफर है, उसको बेहतर तौर पर सहूलत दे सकते हैं। आजम खान सवाती का कहना था कि रेलवे समेत दीगर तमाम इदारों में माफिया इस कदर मजबूत है कि इसने करप्शन की तमाम हदें पार कर दी हैं, मगर अब करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होगी और रेलवे के काम न करने वाले करप्ट अफसरान और अमले को फारिग कर दिया जाएगा। मफाद परस्त तबका रेलवे में काली बेड़े चंद है, लेकिन उन्होंने पूरे रेलवे को जो है अपने चुंगल के अंदर जो है वो कर लिया है, पूरे रेलवे को उन्होंने अपने चुंगल के नीचे जो है दबा लिया है। स्क्रैप की चोरी होती है, टिकटों की चोरी होती है, यहाँ तक रेलवे के पानी की चोरी होती है, पटरियाँ जगह जगह पर पड़ी हुई हैं। अब चूंकि मैंने सख्ती करनी शुरू की और मेरे साथ वही अफसर चलेगा जो दयानतदार होगा और जो अपनी जिम्मेदारी के एहसास करेगा, और उसको मैं भी सलाम कर पेश करता हूँ और इंशाल्लाह ताला उस टीम के बनाने के अंदर जो है हम लग चुके हैं। हमारी 20% ज़मीनों के ऊपर जो है खुद हमारे अफसरों ने और हमारी रेलवे की पुलिस ने लोकल पुलिस के साथ मिल के जो है कब्जे किए हुए हैं। लोगों से आज भी बता लेते हैं, मैं मिनिस्टर की हैसियत से जिम्मेदारी से कहता हूँ, आज भी हम बत्ता वसूल करते हैं, इस कल्चर को खत्म करना है। वजीर रेलवे की तकरीर के दौरान रास लॉजिस्टिक के डायरेक्टर मलक आबान रफीक ने स्टेज पर आकर उन्हें ईद उल अजहा के मौके पर अपनी कंपनी की जानिब से मुसाफरों के लिए 10% रियायती ईद पैकेज देने का ऐलान किया। ईद के ऊपर जो है लोग किराया बढ़ाते हैं, हम 10% जो है कम देते हैं, ये इस्लामी शार है। आप देख लें कि क्रिश्चियन जो है क्रिसमस के ऊपर बाई वन वो गेट वन फ्री करता है, और इस्लाम के चाहने वाले दुख हो रहा है, इखलाक हमारे इतनी गिर चुके हैं कि हम दूध की, मिठाई की, बकरा ईद में बकरों की कीमत जो है ऊपर कर लेते हैं और आम आदमी को जो है लूटते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये इस्लाम के बुनियादी असूलों के खिलाफ है, तो मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूं कि आपने ये 10% जो है वो जायज के ज़्यादा करने के कम कर रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे का तावन आपके साथ होगा। सर सैयद एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची के दरमियान चलाई गई है। ट्रेन रावलपिंडी से दोपहर 1:30 बजे चलती है, जो बरास्ता जेहलम, वजीराबाद, हाफिजाबाद, सांगला हिल, फैसलाबाद, खानेवाल, रोहड़ी और हैदराबाद से होती हुई दोपहर 12:15 बजे कराची पहुंचती है। इसी तरह कराची से ट्रेन की रवानगी का वक्त 9:00 बजे है, जबकि रावलपिंडी इसकी आमद का वक्त 7:40 है। रास लॉजिस्टिक के मैनेजिंग डायरेक्टर मलक मोहम्मद खान ने बताया कि मुसाफिर
अपनी माली सहूलत के मुताबिक मुख्तलिफ कैटेगरीज में सफ़र का इंतखाब कर सकते हैं। सर सैयद एक्सप्रेस ट्रेन में एसी स्लीपर, एसी बिजनेस, एसी स्टैंडर्ड और इकोनॉमी क्लास की बोगियां दी गई हैं। मलक मोहम्मद खान ने इस मौके पर मुख्तलिफ बोगियों का मुआयना भी करवाया। यहाँ दी गई सहूलियात वाकई काबिले तारीफ हैं। मुसाफरों के लिए आरामदेह सीटें, सोने के लिए आरामदेह स्लीपर सीट, एयर कंडीशनर्स, पंखे, एक्स्ट्रा मैट्रेस, LCDs और पीने के पानी के अलावा अटैच बाथरूम की सहूलियात फराहम की गई हैं। मुसाफरों के लिए ताज़ा मयारी खाने का एहतमाम भी किया गया है। सर सैयद एक्सप्रेस के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर शेख अमीर अली फराज के मुताबिक मुसाफरों के जानो माल की हिफाजत के लिए रेलवे पुलिस और उनकी कंपनी के मुतअद्दिद चाको चौबंद गार्ड्स हुमा वक्त मौजूद रहा करेंगे। मुसाफरों को पुरसकून, मयारी और महफूज सफर को यकीनी बनाया गया है। देखो टीवी रावलपिंडी।